हेलो एवरीवन, और आज मैं अपना सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं यूट्यूब पर। अभी हमने पहले ही शंकर्स क्लासेस चैनल अपना बना रखा है और आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द फर्स्ट वीडियो दैट इज द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पार्ट वन। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे, आज मैं अपलोड करूंगा क्लास 9 का। ठीक है, और बाकी पार्ट टू द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड बहुत ही जल्दी एक या दो दिन के अंदर मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, फिलहाल आज मैं शुरू करूंगा। बहुत सारे बच्चे जिद कर रहे थे कि सर, क्लास 9th वाले बच्चे भी हमसे बोल रहे थे कि सर उसको भी अपलोड कीजिए, सर साइंस का वो सॉरी इकोनॉमिक्स का वीडियो के बारे में बहुत ज्यादा उन्होंने डिमांड की थी मुझसे। तो मैंने सोचा कि चलिए भाई, अभी लॉकडाउन है और इसमें हमारे पास टाइम भी है, तो हमने सोचा कि चलो हम वीडियो अपलोड कर ही देते हैं। तो आज हमने फिर फाइनली सोचा और अभी हम इसी सिलसिले में इसीलिए हम काम कर रहे हैं। नाउ आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब ये पालमपुर विलेज की कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 CBSE बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस चैप्टर एंड हियर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इट इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इज द स्टोरी ऑफ अ विलेज थ्रू विच वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किसके द्वारा भाई? इस विलेज पालमपुर की स्टोरी के द्वारा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, एकदम से नहीं सोचना है। हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि विलेज पालमपुर आखिरकार कैसे ये प्रोडक्शन को हम लोगों को समझाता है। तो हम लोग प्रोडक्शन किसे कहते हैं पहले इस चीज को समझ लें, इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कि भाई ये विलेज पालमपुर की स्टोरी क्या है और कैसे हम प्रोडक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा सा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो भाई प्रोडक्शन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और ग्रोइंग फूड गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मेरा कहने का मतलब है कि वो प्रोसेस जो कि फूड बढ़ाता हो या गुड्स बढ़ाता हो या सर्विसेज प्रोड्यूस करता हो, बनाता हो, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। तो यही होगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। यही हमने लिखा, आप देख सकते हैं, प्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और ग्रोइंग फूड गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ किस चीज का प्रोसेस भाई? मेकिंग करने का, बनाने का या बढ़ाने का, किस चीज को? फूड का, गुड्स का और सर्विसेज का। ये इसे ही हम इस प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। तो वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन, व्हाट है ना। सो आई वॉन्ट टू मेक इट इजियर फॉर ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट इजिली। फॉर दैट पर्पज आई हैव टेकन a hypothetical batch as an example so that it should be easier for all of us to understand. The concept of production could be easily understood by each and every person, and it is possible, okay, it will be easier for all of us through the example of the hypothetical village Palampur. Palampur ke dwara hum aasani se ise samajhne ki koshish karenge. So don't feel that there is really a village named Palampur and we are talking about that particular village. I'm not talking about that particular village, dear. As I have said, it is all about a hypothetical village, means imaginary village. ऐसा नहीं है कि मैं किसी सच में गांव के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं भाई, मैं हाइपोथेटिकल विलेज के बारे में बात कर रहा हूं, इमेजिनरी विलेज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर है, हम उसको एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिरकार प्रोडक्शन कहते कैसे किसे हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन? वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल ऑफ द हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर। लेट्स टॉक अबाउट दैट, ओके, सी हियर। सो एज आई मेंशन यू दैट पालमपुर इज द नेम ऑफ अ विलेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पालमपुर एक गांव है और ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है भाई। सो पालमपुर इज अ विलेज एंड इट्स मेन एक्टिविटी,
The main activities of the people here in Palampur is farming. It is not that all the activities which are done, they belong to farming. No, there are some other activities which are also performed. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पालमपुर में बस खेती और खेती. नहीं भाई, खेती के अलावे भी और एक्टिविटी होती है. खेती के अलावे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज मींस क्या भाई? तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का मतलब हो गया, मतलब फार्मिंग के अलावे, खेती बाड़ी के अलावे, जैसे जैसे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे डेयरी, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो बहुत सारे और भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है. कहां भाई? तो विलेज पालमपुर में. अब देखिए, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती है विलेज पालमपुर में, तो यहां पर भाई पालमपुर में जो भी हम गुड्स, हम जैसा अभी आपको हम बताए हैं प्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है, हमने आपको बोला ना कि प्रोसेस है क्या चीज का भाई, मेकिंग और ग्रोइंग किस चीज का भाई, फूड गुड्स एंड सर्विसेस. ठीक है, हमने फूड बनाए, गुड्स बनाए, है ना, जो भी चीजें मैंने प्रोड्यूस की, हम चाहेंगे ना कि उसको अवेल करने के लिए आदमी मुझे पैसे दे. तो आखिरकार ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग का काम जो होता है, जो भी एक्टिविटीज हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे फूड या आपका गुड्स या सर्विसेज जो भी करे, तो इन सब के लिए हमारे पास रिसोर्सेस चाहिए. मैनमेड रिसोर्सेस का भी रिक्वायरमेंट होगा? नहीं, आसानी के साथ आप देखिएगा, रॉ मटेरियल का भी होगा रिक्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेस का भी होगा, है ना. तो नेचुरल रिसोर्सेस का भी होगा. आप देखिए, आप ही अगर आप पैदावार करना चाहते हैं गेहूं का, तो उसके लिए यू नीड टू हैव सम वर्कर्स, यू नीड टू हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो इरिगेशन होगा, वर्कर्स काम करेंगे, पैसा लगाएंगे, रॉ मटेरियल लगाएंगे, तभी तो प्रोडक्शन होगा ना. तो टू परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन इन पालमपुर, दे ओके, सम फार्मिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड. दोनों तरह की एक्टिविटीज होते हैं ना, फार्मिंग भी होते हैं और नॉन फार्मिंग भी होती है. लेकिन इन सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, कुछ मैनमेड है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका मनी है, बहुत सारे रिसोर्सेज की हमें आवश्यकता पड़ेगी. ठीक है, तो इन सभी को यूज करके हम प्रोडक्शन का काम करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कि बताया कि मेन एक्टिविटी जो है पालमपुर में जो किया जाता है, दैट इज ऑल अबाउट फार्मिंग, है ना. ठीक है, अभी देखिए, पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज एज आई हैव मेंशन, इमेजिनरी विलेज एज आई हैव मेंशन यू, देयर आर 450 फैमिलीज लिविंग इन दैट विलेज. उस गांव में 450 परिवार रहते हैं. And out of 450 families, 80 families belong to upper caste group. 80 जो है गांव, ये family, 80 families जो है, they belong to upper caste group. Okay, तो upper caste group जो है, 80 से ज्यादा फैमिली बिलोंग करते हैं अपर कास्ट ग्रुप से. अब आप ही सोचिए कि जो अपर कास्ट ग्रुप है वो ज्यादा पैसे वाले हैं, दे हैव पक्का हाउसेस मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, बार्स एटसेट्रा, एंड मोस्ट ऑफ द पीसेस ऑफ लैंड बिलोंग टू देम. ज्यादा बड़ा जमीन का संख्या, ज्यादा बड़ा मात्रा जमीन का उनके उनके अधिकार क्षेत्र में है, और बहुत कम गरीबों के. उसमें से आउट ऑफ 400, जैसा कि हमने बोला, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 450 फैमिलीज आर रिसाइडिंग इन द विलेज. 450 परिवार उस गांव में रहते हैं, और इस 450 में से यहां पर 450 में से इस 450 में से यहां पर जो लोग रहते हैं, इस 450 में से एक 150 दलित हैं, और 80 उसमें से क्या है भाई, 80 उसमें से 80 जो हो गए अपर कास्ट के हो गए. तो अपर कास्ट वाले के पास बड़ा घर है. ठीक है, आसानी के साथ वो बड़ा घर है 80 वाले का. ठीक है, और बाकी जो है 150 का, जैसे मैंने बताया आपको, दे बिलोंग टू दलित्स, वो दलित हैं, दलित्स हैं वो लोग. ठीक है, तो वो लोग दलित है, और दलित है तो दलित वाले आखिरकार भाई वो कच्चा हाउसेस में रहते हैं, झोपड़ी में रहते होंगे, दे लिव इन हट्स, the house is made up of mud, etc. Okay, well, now see here.
तो पालमपुर के बारे में जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूं कि भाई पालमपुर में 450 फैमिलीज है, उसमें से 150 जो है दलित हैं जिनके पास कच्चा हाउसेस है, और 80 फैमिली जो अपर कास्ट के हो गए वो ज्यादा अमीर हैं, और बाकी रेस्ट जो है बीच वाले होंगे, मीडियम मिडिल क्लास के हो गए, तो उनमें से कुछ का छोटा मोटा मकान हो भी सकता है, बहुत सारे लैंडलेस भी होते हैं, सॉरी ये आपका ये 80 वाले नहीं बोल रहे हैं, 150 वाले हो सकते हैं दलित होंगे जो कि लैंडलेस भी हो सकते हैं या कच्चा हाउसेस भी हो सकते हैं, तो दोनों तरह की बातें हैं। खैर, हम पालमपुर के बारे में बात करें। अब पालमपुर जो है इट इज वेल कनेक्टेड बाय द रूट्स टू द नियर बाय विलेज रायगंज विच इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज एंड इट इज वेल कनेक्टेड टू द शाहपुर, दैट इज अ स्मॉल टाउन। तो शहर से थोड़ा सा दूर, शहर का नाम इसके सबसे नजदीक वाले शहर का नाम है शाहपुर, जबकि सबसे नजदीक वाले गांव का नाम है रायगंज। ठीक है, तो ये रायगंज के बारे में हमने आपसे बात किया। ठीक है, तो इस तरह से ये दो जगह हमने बात किया कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड टू ऑल वेदर रोड्स टू द नियर बाई विलेज रायगंज विच इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट, वाइल शाहपुर इज ऑल्सो अ टाउन विच इज द नियरेस्ट विच इज वेरी वेरी क्लोज टू पालमपुर। ओके, वेल, तो इस तरह से पालमपुर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेल डेवलप्ड विलेज है जहां की प्रोडक्शन आसानी से हो जाता है। हाउ कैन यू से सो देखिए, हम लोग समझते हैं। देखिए, पालमपुर हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ऑलमोस्ट एवरी हाउस एंजॉयज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू कैन सी द ट्यूबवेल्स आर अवेलेबल देयर, एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्यूबवेल्स व्हाट हैपेंस यू कैन वेल अंडरस्टैंड द फील्ड्स आर वेल इरिगेटेड। खेतों की भी तो सिंचाई हो जाती है आसानी से, खेतों की आसानी से सिंचाई हो जा रही है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं होता है। चलिए, खेतों की सिंचाई हो जाती है मतलब कि फार्मिंग बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से हो जाता है। चलिए ठीक है, और भी बातें हैं, और भी चीजें हैं, जरा सा और भी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जरा सा और भी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सी चीजें भाई देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे हेयर इन पालमपुर यू कैन सी देयर टू प्राइमरी स्कूल्स आर देयर, दो प्राइमरी स्कूल है वहां पर, ठीक है, और एक हाई स्कूल भी है वहां पर, देयर इज अ प्राइमरी स्कूल एंड वन हाई स्कूल। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी देयर इसके अलावे वहां पर और भी चीजें हैं। अब क्या हो सकता है भाई, प्राइमरी स्कूल जैसा कि हमने बताया आपको, टू प्राइमरी स्कूल्स आर देयर एंड वन हाई स्कूल देयर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ हॉस्पिटल, ओके, रन बाय द गवर्नमेंट एंड अ प्राइवेट डिस्पेंसरी आल्सो। सो यू कैन सी देयर व्हाट अ गुड विलेज इट इज, आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रोड्स non-farming activities are done and the goods which are manufactured they are taken away from the village to the market to sell them. Okay, so the roads are also there and many people are carrying the goods using the bullock carts, tractors, okay, bikes, buses, they are also there running on the roads, autos are there, so the goods can be sent to the other village, nearby village, other you can say city, towns, etc. It has been possible, means of transport are also available, many vehicles are there, they are running on the roads easily, so you can well understand there. तो यही हमारा पालमपुर का कॉन्सेप्ट था कि आसानी के साथ यहाँ कुछ कुछ चीजें जो अवेलेबल है, जो कि सबसे ज्यादा एक आइडियल विलेज होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, हम उसके बारे में जिक्र चला रहे हैं ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सा गांव यहां हमने बात किया आपसे, बस हमने ये बोला कि देखिए, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी, जो हमने बोला अवेलेबिलिटी है किस किस चीजों की है अवेलेबिलिटी, हमने बोला यहां अवेलेबिलिटी है आपका मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की, जो कि सड़कें है,
व्हीकल्स है अवेलेबल, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, पैसेंजर्स को ले जा सकते हैं, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने से बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ भाई इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने से, देखिए ट्यूबवेल्स कैन बी देयर, और ट्यूबवेल के होने से क्या होगा, इरिगेशन का प्रोसेस आसानी से डन, नहीं तो ट्यूबवेल का भी काम हो जाता है आसानी से, यानी इरिगेशन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्थ है, क्योंकि देखिए हमने बोला ना आपको हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ, और एक डिस्पेंसरी भी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है। यही नहीं, फिर हमने और भी चीजों के बारे में बात किया भाई, हमने बोला एजुकेशन है, देख लीजिए। तो एक अच्छे जो विलेज का जो होना चाहिए कि मींस द काइंड ऑफ फैसिलिटीज विच शुड बी अवेलेबल फॉर अ गुड विलेज, दैट इज ऑल अबाउट देयर, नहीं ये सब चीजें हैं। तो हमारे पास ये पालमपुर में, हम यही आपको समझाएं कि भाई पालमपुर आखिरकार इमेजिनरी विलेज है, तो वेल कनेक्टेड है रोड से, और इसके सबसे नजदीक वाला रोड हमने जो आपको बताया, आपने देखा कि ये सबसे नजदीक वाला टाउन कौन है, विलेज कौन है, आपने देख लिया। टाउन हमारा सबसे नजदीक वाला शाहपुर, और सबसे नजदीक वाला गांव रायगंज। इसके अलावा और भी चीजें हमने आपको बताई है ना, हमने आपको ये बताया कि ये प्रोडक्शन किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और ग्रोइंग फूड गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो हम पालमपुर में इसी चीज को समझेंगे ना, यही चीज को हमको समझना ज्यादा जरूरी है कि भाई ये प्रोडक्शन का काम कैसे होता। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी भी देख लिया, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी देख लिया, उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए ये भी देख लिया, और फिर हमने आगे और भी चीजें बात किया। पालमपुर में फैमिली के नंबर 450 150 80, ये सब हमने देख लिया ना, 80 अपर कास्ट वाले, और 150 यानी 1/3 जो है दलित है, कच्चा हाउसेस में ही रहते हैं, और पक्का हाउसेस वाले 80 वाले और मिडिल क्लास पीपल भी और भी लोग हैं। हमने इसके बाद फिर बात किया कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी लगभग सभी जगह अवेलेबल है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इरिगेशन आसानी से हो गया क्योंकि ट्यूबवेल अवेलेबल है, और इसके अलावा फिर हमने पढ़ाई लिखाई के बारे में भी तो बात किया ना, एजुकेशन आखिरकार ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होगा, जो कि हम आगे के टॉपिक में भी बात करेंगे इसके बारे में। तो फिर हमने आपसे इसके बारे में भी बात किया कि किस तरह से आखिरकार हमारा ये ह्यूमन कैपिटल किस तरह से होगा फॉर्मेशन, ये भी हमने देखा। हमने देखा एजुकेशन भी है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है ना, फिर आपका रोड्स है, इरिगेशन है, हेल्थ है, मतलब जो एक अच्छे विलेज के लिए होना चाहिए वो सारे के सारी चीजें हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि आखिरकार ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले अभी हमने प्रोडक्शन समझा, अब आने वाले टॉपिक में इन सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स एसेंशियल है, वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। लेट्स गेट गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।